हमारी ओर से मुख्य दो वक्ता आपके बीच रहेंगे, इसमें हमारे छपाल से विधायक एवं पार्टी के प्रवक्ता श्री बलबीर वर्मा जी और साथ में हमारे प्रवक्ता डॉक्टर जी इसमें मुख्य वक्ता रहेंगे। हमारे महासू जिला संगठनात्मक जिला भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा बलबीर वर्मा जी शेर का विषय आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप सब यहाँ आए, आप सबको एक जानकारी है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन एक्ट को लागू हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए इस साल किया है। इस एक्ट को लागू करने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसमें इससे पहले काफी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे, जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपी कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपी कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है, जो टेलीस्कोपी कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूरदराज के क्षेत्र है उसमें बागवान लेबर से और खचरों पर सेब का ढुलान करते थे, इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा, ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है। जब दूरदराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हरास और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपी कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है, और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू भी इसमें रेवेन्यू की भी इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बार जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपी कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे, इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है इसके बॉक्स की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूरदराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें, इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं, ये मेरा कहना है। आगे की चेतन डॉक्टर जी आगे की बात रखेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे आदरणीय विधायक दिलीप वर्मा जी ने सारा विषय आप लोगों से आपके सामने रखा है, मैं इसमें इनको सप्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है वो 5,000 करोड़ की GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करती है और आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में आ गई है। एक बात हम बड़े क्लियर कर लें, कुछ दिन पहले मैंने रोहू में भी इस प्रेस के साथ आपके कलीग्स के साथ संवाद किया था और हम पहले भी इस बात को बोलते रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर जी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर आए थे और हम इसका वेलकम करते हैं। तो मुझे लगता है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के साथ हम इसमें जो खामियां हैं वो प्रेस के माध्यम से
सरकार को बताना चाहते हैं इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं और उसमें क्या क्या खामियां आ रही हैं। बहुत कंफ्यूजन बागवानों के बीच में अभी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर है। टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी है, उसमें क्या होगा, सरकार इसके बारे में भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करे। कल सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे उन्होंने एक जो पिंजौर के जो आरथी एसोसिएशन है या जो उनकी मार्केटिंग बोर्ड के जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने भी छापा है। उसमें पिंजौर के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि जो टेलीस्कोपिक गार्डन है उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के उनसे पूछा इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है तो एपीएमसी के चेयरमैन ने उसमें कहा कि हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर के प्रदेशों में नहीं है। और प्रिसाइसली एक साल से भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है, स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आरथी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेब है ये सिर्फ बाउंड्री को पार करते हुए बाकी स्टेट्स में भी बिकता है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है, दिल्ली में सेब बिकता है और आजादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है। तो क्या इन 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 जो राज्यों की सरकार है उनसे हिमाचल प्रदेश ने संवाद किया, बात करी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया? आपको बताते हुए ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत घबराने वाला है, आज से 20 साल पहले इसका उलट होता था और आज हम कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ओनली प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द टोटल एप्पल इन इंडिया, मतलब सिर्फ 17% हिमाचल प्रदेश पैदा करता है, बाकी जो 78% है वो जम्मू कश्मीर पैदा करता है। किसी टाइम हम सबसे लीडिंग थे, आज हम सबसे पीछे जा रहे हैं, इस बात को भी हमारे को समझना पड़ेगा। क्या कार्टन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कश्मीर ने की है, क्या कार्टन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने करी है, क्या उसको उत्तराखंड ने करा है, ये भी एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। जुलाई में हमेशा देखा गया, जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोक जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है, मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी है, अगर आप क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में आप डली मंडी, पराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परवानु मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनकी उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है। इसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके आरथी नहीं आएंगे, जब आपके लदानी यहां पर नहीं आएंगे, हमारा जो होटल का बिजनेस है, जो हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जो हमारा एक्साइज का बिजनेस है, वो सारा हमारा लॉस होगा। सेब के साथ साथ बाकी चीजों पर भी इसके रिपलिंग इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। धूमल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक रोबोस्ट जो मार्केटिंग यार्ड्स हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़े करे, हर जगह पे स्वर्गीय बरागटा जी ने जो मंडीज है उनको खोला और आज मुझे लगता है उनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ गया है। एक और मुद्दा जो मैंने रोडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और उस बात को मैं फिर यहां से दोहरा रहा हूं, जो सेब है वो गढ़ के हिसाब से ही बिकना चाहिए। कुछ कैटेगरीज में आप अभी गढ़ के हिसाब से बेच रहे हैं और कुछ कैटेगरीज में आप दर के हिसाब से बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कर रही है आपके माध्यम से, हमको बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सब कुछ जो है वो दर के हिसाब से नहीं बेचना, सारा गढ़ के हिसाब से बेचना है। उस दिन पहले ही सरकार की तरफ से एपीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो भी अब बाइंग होगी वो गढ़ के हिसाब से होगी, दर के हिसाब से नहीं। परंतु आप इस बात को खुद इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, 10%, 30%, 20% और 10% का जो कटौती है वो लग रही है। आपको ध्यान होगा पिछली बारी आपदा आई थी, हमारे जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से फेल हुई थी, हम अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। इस बारी ड्रॉट की बहुत बड़ी जो विकेट स्थिति है वो हम लोगों के सामने आ चुकी है, उसी कारण से इस बारी भी जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम है।
पिछली बार हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए, इस साल हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस हुए, सरकार अच्छा होती इस बारे में सोचती, आप फैसिलिटेटर बनते इरिगेशन को स्कीम्स को लेकर, सूखे को लेकर आप बात करते, परंतु हमारे को उन्होंने उलझा के रखा है कि गत्ता ये ले लो गत्ता वो ले लो। जैसे अभी यहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक जी ने बोला, बलवीर वर्मा जी ने, कि इसकी जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, और मैं सही मायने में, मैं फिर बोलता हूँ यूनिवर्सल काटन का हम वेलकम करते हैं, परंतु क्या ये सही मायने में यूनिवर्सल काटन है? क्या क्या ये यूनिवर्सल ट्रेस की यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या सरकार ने आनंद फानन में एक सेक्रेट में कम बंद कमरे में कुछ जो उनके लाइक वाइज लाइक माइंडेड लोग थे, वामपंथी मित्र थे, तो जो चिल्लाते रहते हैं रोड्स पर, उनके प्रेशर में आकर उन्होंने इसको एकदम रोल आउट नहीं कर दिया? आप इसको तरीके से लेकर आते, आपने क्या बागवानों के साथ संवाद किया, आपने क्या कैंप्स लगाए, आपने बताया कि कैसे इसकी पैकेजिंग होती है, 12 और 13 नंबर में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं 11 नंबर लेकर आते? स्मरण करना चाहता हूं राजा वीरभद्र जी को यहां से, वो भी बागवानी हितेशी थे, जब ट्रांजिशन हुई गत्तों से लकड़ियों से गत्तों की तरफ, उन्होंने भी ट्रायल पीरियड दिया था 3 साल का। तो हम भी चाहते थे कि ये आप करते हैं, इसको हम वेलकम है, परंतु बागवानों को ये इंडिपेंडेंस देते कि उन्होंने यूनिवर्सल लेना है, टेलीस्कोपिक लेना है। क्या सरकार का कोई अभी तक कमांड है कॉरोगेटेड बॉक्सेस के मैन्युफैक्चरर्स पे? बिल्कुल नहीं। आप खुद पता कर लीजिएगा, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से जो कॉरोगेटेड बॉक्सेस हैं वो टेलीस्कोपिक कार्टन बना रहे हैं, और काफी बागवानों ने अपने जो कॉरोगेटेड बॉक्सेस हैं, जो टेलीस्कोपिक कार्टन है, उनको उन्होंने अपने घरों में लेना शुरू कर दिया, और पिछले साल की भी जो इन्वेंट्री है उनके पास पड़ी है, किसी तरह का कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। क्या आपने परमाणु मंडी के पास एपीएमसी जो बॉर्डर्स है जहां से बाहर निकलता है सेब, वहां पे क्या आपने कोई मॉनिटरिंग सेल बनाया? आप क्या चेक कर रहे हैं? और मैं एक और चीज सरकार से यहां से पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि आप चलान करेंगे, आज आपकी जो दादागिरी है, जो आपने एक हुक्मी, जो एक तबलुकी फरमान आपने लेकर आया, आप सिर्फ दबा रहे हैं मिडिलमैन को, परंतु किस एक्ट के अनुसार आप बागवानों का चलान करेंगे अगर वो टेलीस्कोपिक कार्टन लेकर यहां से बाहर लेकर जाएंगे? तो ये सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने, और ये जो सारी फीडबैक से मैं ग्राउंड से आपको लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता था। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हमारी मंडियों को बंद करने के लिए, फार्म गेट टू फूड प्लेट सप्लाई चेन का ये भिन्न अंग है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जितनी फैसिलिटीज आप बागवानों के सामने, उनके बगीचों के सामने, उनके दरवाजे पर रखेंगे, उतना बेहतर बागवान होगा। परंतु यही जो आइडिया था उसको लेकर स्वर्गीय ब्राक्टा जी आए थे, उन्होंने लगातार कितनी उनका विस्तार यहां पर मंडियों का किया, और आज वो मंडियां बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकार एक हुक्मी, जो एक तुगलुकी फरमान है, उसको लेकर आई है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में उसको बुरी तरह से इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, जिसको अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई है। मैं एक और छोटा सा विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, मैं सरकार से ही मांग करता हूं, बहुत सारा जो अभी बिट्टू वर्मा जी ने भी बोला, जो बहुत सारा जो कार्टन है हजारों की लाखों की कीमत का, जो हजार के करीब नंबर्स हर एक बागवानों के पास, सैकड़ों बागवानों के पास ही होगा, तो क्या वो जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको सरकार बायबैक करेगी, उसको एक्सचेंज करेगी, या उसको रिफंड देगी? इसके बारे में भी सरकार जरूर बताए, क्योंकि हमें इसका हमारे को आंसर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार हमारी आर्थिक की बहुत ज्यादा घटी है, खुद सरकार ने माना है कि 5000 से 3000 करोड़ की जो जीडीपी वो सेब से रह जाएगी। एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है जो अल्टरनेरिया या फंगस। अब मुझे नहीं पता, और मैंने इस विषय को 3-4 दिन पहले भी रखा था, क्या सही मायने में ये अल्टरनेरिया है या फंगस है? क्या सरकार इस बारे में अपनी जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो देगी? अभी तक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी पीड़ा बागवानों के लिए, पीड़ा और पॉलिटिकल सेंस में अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रडिक्शन और विडंबना। अभी तक सरकार ने एडवाइजरी नहीं जारी करी है कि ये है क्या जो पतझड़ हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल भी नुकसान हुआ था, और जुलाई अगस्त में अगर आपको स्मरण होगा ये पिछली बार भी आई थी। आज सरकार को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था। क्या पीपी सेंटर्स में दवाइयां मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बारे में उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कृपया करके इसके बारे में भी सोचें और बागवानों के बारे में अच्छे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, हम बिल्कुल बागवानों के साथ खड़े हैं, और सरकार कोई अच्छा कदम लेती है हम उनपे भी तारीफ करेंगे, उनके साथ चलेंगे,
परंतु बागवानों के साथ जो खिलवाड़ अभी हो रहा है उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसके लिए हमारे चाहे कोर्ट के दरवाजे खटका लगाने पड़े या फिर उग्र आंदोलन करना पड़े, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मेरे को बस यही विषय आप लोगों के सामने रखने थे, अगर आप लोगों ने कोई सवाल हमसे पूछने हैं तो। आपका जो प्रश्न काल जाएगा, एक तो वक्ता का नाम आपने लेना कि किससे प्रश्न है, दूसरा सेब पे ही अपना विषय रखना, सेब से बाहर प्रश्न होंगे, चलो तो हम देख लेंगे ना। लेकिन सबको बताइए चेतन जी, हम आपसे सवाल, एक तरफ से आप स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो विरोध कर रहे थे, तो आपका विरोधाभासी आपका कहना, पहले बिट्टू वर्म जी ने शुरू से विरोध किया, आप बोल रहे की बराबर जी वही इसके पक्षधर थे, और आप उसका वेलकम कर रहे हैं, एक सवाल करा। आप क्लियर सुन लीजिए बिट्टू वर्मा जी ने क्या बोला और मैंने क्या, हमने क्या बोला, हम अभी लाइन एक बिल्कुल क्लियर है, हम वेलकम करते हैं यूनिवर्सल कार्टन का, पर हमें तो उजागर करनी पड़ेगी ना, अगर क्वालिटी नहीं होगी उसमें, कितना जीएसएम यूज कर रहा है, एक आपको 42 रुपए का मिल रहा है, एक 72 रुपए का मिल रहा है, आपकी यूनिवर्सल ट्रेज है नहीं, वो धस रहा है, जैसी उसमें पैकेजिंग होती है पेटी के ऊपर पेटी जाती है, कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पूरी तरह से धस रहा है, तो वो तो फिर हमारे को जो चीजें हैं वो लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी आपके माध्यम से, अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है तो हम उसका रखेंगे, हम फिर इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल कार्टन आगे का फ्यूचर है, बात को मानते हैं, पर कम से कम थोड़ा टाइम तो दीजिए, ऐसा क्या हो गया कि इसी साल लेकर आना था, 2-3 साल का इसको करके करते हम आपके साथ चलते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर सारी सरकारों से बात करते, आज मार्केट क्रैश हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है, आजादपुर में क्या चल रहा है, वहां टेलीस्कोपिक कार्टन को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा 18-17% सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है, कश्मीर की क्या स्टैंडर्डाइजेशन है पैकेजिंग को लेकर, उत्तराखंड की क्या पैकेजिंग को लेकर, उनकी क्या पॉलिसी है, और क्या मैं मानता हूं कि कॉन्करेंट लिस्ट है, इसपे हिमाचल प्रदेश सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, पर क्या है यहाँ की सरकार ने सवाल पूछे। एक और विषय मैं जो बोलना भूल गया था, मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, कहाँ है वो हिमाचल जिला शिमला की लीडरशिप, कांग्रेस का गढ़ है ना जिला शिमला, तो कहाँ है लीडरशिप, कहाँ है विक्रमादित्य जी, कहाँ है अनुरुद्ध जी, कहाँ है शिक्षा मंत्री जी, क्यों नहीं आज वो बोल रहे, 2022 में तो सड़कों पर उतरते थे, आज क्या हो गया। आपका मतलब राजा जी की यूनिवर्सल कार्टन ठीक है, बट इसको समय के साथ लागू करना चाहिए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि सरकार की कोई और मंशा है या इसको एकदम से तोड़ दिया, ये सब कार्यों की सब कंपनी जैसा आरोप है आपका। मैं बिल्कुल ये आरोप लगा रहा हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने आनंद फानंद में हफड़ा दफड़ी में ये इसको इंप्लीमेंट कर दिया, थोड़ा टाइम तो देते, मैं तो वीरभद्र जी को यहाँ से स्मरण कर रहा हूँ, जब लकड़ी से ट्रांजिशन हुआ कार्टन की तरफ उन्होंने भी 3 साल दिए, थोड़ा टाइम देते बात करते, मैं फिर उस बात को, एप्पल ग्रोइंग एरिया पे नहीं लगाया गया, आप आज हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से या किसी से पूछ लीजिए क्या 12, 13 और 11 नंबर में क्या फर्क है, उनको पता भी नहीं होगा, उनको क्वालिटी यूनिवर्सल कार्टन की जो ट्रे की उसकी क्वालिटी तक नहीं पता होगी, वो टेलीस्कोपिक कार्टन की हो रही है, तो मैं तो क्वालिटी को लेकर यहाँ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और क्यों ये सारी चीजें क्या हो रहा है स्टैंडर्डाइजेशन, वो तो हम मानते होना चाहिए, पर ये बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। वर्मा जी आप कह रहे हैं कि जो पुराने कार्टन है अभी पड़े हुए खराब हो रहे हैं, तो ये किसके पास पड़े हैं, क्या बागवानों के पास खरीद के रखे हैं या फिर बागवानों के पास है, दुकानदार के पास है? यूनिवर्सल कार्टन बागवानों के मैं पहले, जैसे हर बागवान स्टोर में 1 साल पहले प्रिक्योर करके अपने स्टोर में रखते हैं, और हिमाचल प्रदेश के जितने बड़े बागवान हैं सेब का सारा मटेरियल 1 साल पहले करते हैं, इन्होंने ये कानून अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में लागू किया, इनको जैसे 1 साल का टाइम देना चाहिए था, सबसे पहले सेब बोरी में जाता था, बोरी से लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी से बॉक्स से इस गतों पर आया, ये सारा इसमें टाइम दिया सब जगह, अभी इन्होंने तो सिर्फ 6 महीने में ही और इस तरह से लागू किया कि मार्केट में अगर गलती से किसी के 2-4 पेटियां भी चली जाए तो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उसके बागवान के पीछे ऐसे दौड़ते हैं, लगता है कि कोई इसने स्मगलिंग की है। मारम ये बोलने का मतलब है कि प्रदेश की इकोनॉमी और प्रदेश की जीडीपी में बागवानों का बहुत बड़ा योगदान है, आप बागवानों को एक स्मगलर की तरह ना देखकर बागवानों को सहायता, बागवानों की सहायता करें, और बागवान अगर कोई किसी भी मार्केट में टेलीस्कोपिक कार्टन ले जाते हैं तो उनको फाइन ना करें, इसके लिए आप रिलैक्सेशन दें, यही हमारा मानना है कि इसमें रिलैक्सेशन दें, हाँ या अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं देना तो इनको आप इनको या तो आप कॉम्पनसेशन दें जितने बागवान के पास है, या इनको आप
कोई ना कोई बागवान को इसका इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट छोड़ी है टेलीस्कोपी। वर्मा जी बागवान जी, जी आपसे सवाल है जितिन जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा शुरू हो गया है सीजन, और पिछली बार क्या होता है आपकी सरकार में भाजपा की रही कांग्रेस की भी रही, जो छोटा बागवान है उसका जो सेब है वो जो आर्थिक पैसे नहीं देते हैं, SIT बनाई गई, SIT भी पता नहीं क्या कर रही भगवान जाने, लेकिन उनके लिए क्या करेंगे आपकी पार्टी, जैसे प्रोटेस्ट होते थे आपकी सरकार में भी ये आश्वासन देंगे SIT बनाएंगे, वो पकड़े नहीं जाते ना, लदाने पकड़े जाते ना आपसे पकड़े जाते हैं। देखिए मैं तो आपको फिर बोल रहा हूँ, सरकार इस तरह पे फोकस करती, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इस तरफ फोकस करना चाहिए था सरकार को, प्रोडक्शन की क्वालिटी की तरफ फोकस करना चाहिए था, आपकी मार्केटिंग में इतने इश्यूज है उस तरफ फोकस करना चाहिए था। आज SIT आई कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से उस पर क्या हो रहा है आप लोगों को सबको पता है, परंतु क्या लदानी आड़तियों और जो बागवान है उनके साथ कभी भी संवाद में सरकार बैठी है? मुझे लगता है ये बहुत बर्निंग इश्यूज है, और एक यूनिवर्सल कार्टन टेलीस्कोपिक कार्टन एक छोटा सा इश्यू है, इससे ज्यादा बर्निंग इश्यूज इस टाइम बागवान फेस कर रहे हैं, और सरकार को एग्जैक्टली वहीं पे फोकस करना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल इको करता हूं। सवाल ये कि डिफॉल्टर आरती है, अगर पराला में बैठते हैं तो पराला में क्या होता है कि एक साल उनको वहां पे डाइवर्ट कर देंगे, फिर वो कहीं दूसरे मंडी में चले जाते हैं, वही घूमते रहते हैं, ऐसा तो नहीं पैसे पूछे देके वो बात तो बना देते हैं कि हमें दे दीजिए ऐसा? ये इसका 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 क्वेश्चन भी आप ही पूछ रहे हैं, आंसर आप ही दे रहे हैं, मुझे लगता है टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और काफी केसेस मुक्ता जी अभी कोर्ट ऑफ लॉ में भी है, और वहां से देखते हैं वास्तव में क्या उनकी तरफ से आती है। पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जो SIT थी वो पहली सरकार थी जिन्होंने इस पर SIT फॉर्म करी थी, और इसको आगे कंटिन्यू करें जो कांग्रेस की सरकार है, हम तो उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप SIT का तो सवाल आपने था, आपके कार्यकाल में SIT बनाई थी, लेकिन एक तरफ से एक मामला दर्ज होता, दूसरी तरफ से ठगी होती है, वो गड़बड़ झाला रुक नहीं रहा, 250 करोड़ से अधिक का था, विधानसभा में भी वर्मा जी मसला उठा था, बड़ा एक मसला है, नहीं हो रही क्योंकि APMC जो एक्ट है हमारा उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, तो आपके टाइम में भी नहीं हुई, अभी नहीं हो रही है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जब से सेव हो रहे पहली बारी SIT बनाई थी, जिसमें SP रैंक के और DIG रैंक के ऑफिसर लगाए थे, और पूरी इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। आप पूरी हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने इसमें अरबों रुपया रिकवर किया, करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया रिकवर हुआ, वो पैसा भी रिकवर हुआ जो 5-8 साल पहले बागवानों का फंसा हुआ था, और इसमें इतना इसके इसका डर भी सब मंडियों में था। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने SIT को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, आज SIT हिमाचल प्रदेश में कहीं दिख नहीं रही है, और उसके बाद कोई भी हमारे तो SIT के टाइम हमारी सरकार के टाइम SIT ने बॉम्बे में कई बारी गई, कई बारी मद्रास गई, कई बारी कलकत्ता गई, कई बारी दिल्ली गई, कई बहुत सारे पकड़ के वहां जेलों में रखे, और उससे एक पूरे देश के अंदर सबके ऊपर एक डर पैदा हो गया था, पर 1.5 साल से वो सारा डर खत्म हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि बागवानों का पैसा जहां जहां फंसा हुआ है उसके लिए आप अलग, मैं तो एक और आग्रह करना चाहूंगा कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं। बागवान एक कृषक और बागवान एक ऐसे मेहनती लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाकर खून बहाकर अपनी फसल उगाते और निकालते हैं, और उनका पैसा कुछ बागवान ऐसे है बेचारे जिनके 50 पेटी होती है और 50 पेटी वो एक पैसा उनको नहीं मिलता और उनकी सर्दी का राशन नहीं होता, ऐसे भी बागवान और किसान हमारे हैं। इसके लिए तो तुरंत 1-2 साल के अंदर इसमें कोर्ट से डिसीजन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसानों के लिए और बागवानों के लिए बने, अलग से बने, और मैं दावे से बोलता हूं जिस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानों के लिए बना देगी, किसानों के लिए बना देगी, कोई भी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, और बागवानों और किसानों का पैसा सारा पैसा उसी टाइम के हिसाब से मिलता रहेगा। और आपके माध्यम से कांग्रेस सरकार से यही हम कहना चाहते हैं कि SIT को और मजबूत करें, आपने SP वहां से बदल दिए, बहुत सारे अवसर बदल दिए, और मजबूत करें, ये हम आग्रह करना चाहते हैं। हमारी सरकार में 274 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें जयराम ठाकुर सरकार ने 125 केसेस को सॉल्व भी किया, ये मैं 2022 तक के आंकड़े दे रहा हूँ। 12 रुपए किया है कल सेब का समर्थन मूल्य सरकार ने, कुछ और फर्म किया है, तो क्या इसका आप स्वागत करते हैं?
कम है, जिस टाइम हमारी हालत चल रही है आप देखिए ना। एक विषय में और आपके सामने रखना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है? शिमला जिला में। लीडरशिप का है उसकी जो बागवानी मंत्री कहाँ से है, वहां तो वैसी क्वालिटी होता है। तो मैं तो पहले भी मांग कर चुका, अभी भी मांग कर रहा हूँ कि जो बागवानी मंत्री है वो जिला शिमला से होना चाहिए। हमारी जो आर्थिकी है 5,000 करोड़ से 3,000 करोड़ में आ गई, तो 12 रुपए क्या बहुत ज्यादा है? बिल्कुल कम है, हम तो मांग करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा सरकार करे। हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ, कृपया करके जो हमारी पिछली जो MIS की पेमेंट है हिमपेड और HPMC की, उसको भी आप दें। और साथ ही साथ जो 15 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कलेक्शन सेंटर खुल जा करते थे वो अभी तक नहीं खुले हैं, ऐसा सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसको भी आपको। इसमें हमने विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया, जो छोटे बागवान है जिनके 10 बोरियां हैं और जिनको राशन के लिए भी सर्दी में दिक्कत होती है, कि प्रायोरिटी में पहले पैसे उनको दिए जाएं जो छोटे बागवान हैं। विधानसभा के अंदर एश्योरेंस पूरी मिली थी इसकी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि छोटे बागवानों को हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर टोटल पेमेंट कर देंगे। आने वाले समय में आप जब भी ये शुरू करें, छोटे बागवान को जिनकी 10 बोरी है, 5 बोरी है, जिनके 5,000-10,000 रुपया मिलना है, उनको तुरंत आप पेमेंट करें, ये आपके माध्यम से मंत्री। आपसे सवाल है, कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि बागवान खुद तय करेंगे अपने दाम, तो उसको लेकर मुखर नहीं दिख रही बात, तो 1.5 साल हो गया है ना बागवानों को दाम तय करने का मौका मिला। कांग्रेस ने 10 झूठी गारंटियां दी, अभी तक लागू कोई भी नहीं। महिलाएं बैंकों के चक्कर काटते काटते थक गई है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। और ये जो गारंटी दी है इसमें उल्टा किया है। अब बागवान अगर कोई यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपिक कार्टन में इतना इन्होंने अधिकारियों को दे दिया कि कोई टेलीस्कोपिक कार्टन वाला आ जाए तो उसके पीछे 10 इनके अधिकारी कर्मचारी भाग जाते, ऐसा लगता है कि पेटी में कोई सुल्फा रखा। जिस तरह से बागवानों को डरा रहे, धमका रहे, मतलब मैं आपको पुलिस की धमकी दे रहा हूं, इस तरह से इन्होंने उल्टा किया है बागवानों के साथ जो अत्याचार कर रही है कांग्रेस सरकार, आने वाले समय में इनको ये भुगतना पड़ेगा। और चेतन जी, आपने अपने पूरे विषय में 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार का जिक्र किया। सवाल ये है कि आप मानते हैं कि आपकी पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आप पिछली सरकार में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे आप उस सरकार के खिलाफ बोल भी रहे थे, और अब यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जब आप कह रहे हैं कि सरकार को वक्त देना चाहिए था, पिछले 1.5 वर्ष से सरकार चल रही है और आप लोग लगातार कह रहे हैं सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, अब कर दिया है, अब आप कह रहे हैं समय चाहिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है विरोध सिर्फ विरोध के लिए है? मैंने आपके सामने सारे विषय बिट्टू वर्मा जी और हमने पूरे डेटाबेस आपके सामने, यूनिवर्सल ट्रे है क्या, क्या 11 नंबर मार्केट में है, सिर्फ 12-13 क्यों है, क्यों नहीं कैंप्स लगाए गए, क्यों अभी तक जो है जब घोषणा भी कर दी सरकार ने कि वो दर पे नहीं खरीदेंगे फिर भी आप दर पे सेब को खरीद रहे, तो हम इस विषय को हम तो बोल रहे हैं कि हम इसका वेलकम करते हैं, पर टेलीस्कोपिक कार्टन में जो पुरानी इन्वेंटरी बची है हमारे बागवानों के पास उसको लेकर सरकार अपना स्पष्टता रखे। हम बड़े क्लियर है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग, वी आर डूइंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम चाहते हैं ये जो सरकार इस टाइम कुंभकर्ण की नींद सोई है वो जागे और बागवानों के बारे में सोचे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो पिछली सरकार के विषय में आपने नहीं बताया कि क्या पिछली सरकार बागवानों के लिए जो करना चाह रही थी वो कर पाई? सबसे ज्यादा MIS अगर किसी सरकार ने बढ़ाई तो वो जयराम ठाकुर सरकार ने बढ़ाई, SIT किसी ने करा तो वो जयराम ठाकुर सरकार ने, तो बागवानी को लेकर CS रोड को लेकर जो हमारा क्या बोलते अपना प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी जयराम ठाकुर सरकार जी ने प्रारंभ में करा। मैं इसलिए पिछली सरकार को कर रहा था क्योंकि उसको मेरे पूजनीय पिताजी ने काफी रिफॉर्म्स यहाँ लेकर आए थे और उसका मुख्यमंत्री धूमल जी। पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रारंभ में 1,05,00,000 करोड़ का जो एशिया का सबसे बड़ा, आज तक एशिया में चाइना में भी इतना प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रारंभ में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत की थी और अब वो तैयार होकर अब उसमें सेब का प्रोसेस शुरू हो गया, जूस बनना शुरू हो गया और उसके साथ ही सीए स्टोर जिसमें 70 करोड़ खर्च हो रहा है, सीए स्टोर इतना बड़ा स्टोर भी हिमाचल में पहली बारी बन रहा है सरकारी की, जिसमें 70 करोड़ खर्च हो रहा है, वो भी तैयार होने वाला है, वो भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारी मंडियों के लिए पिछली बारी
ट्यूब में ही अजय श्याम जी बैठे ट्यूब में, चार मंडियां बड़ी बड़ी बनी है जिसपे जयराम ठाकुर जो है मंडियों के लिए। थैंक यू सर।